हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानेंगे सोल ताल के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सोल ताल जो है 10 मात्राओं की ताल है। किसी भी ताल को जानने से पहले उसकी मात्राएँ जो हैं आपके माइंड में जरूर रहें। तो सोल ताल जो है आपकी 10 मात्राओं की ताल है। विभाग जो है 5 है। ताली की बात की जाए तो पहली, पांचवी, सातवीं मात्रा पर आपकी ताली रहेगी और खाली की बात की जाए तो तीसरी और नौवीं मात्रा पर खाली रहेगा। ठीक है, यह ताल पखावज पर बजने वाली खुले बोलों की ताल है। जो ताल पखावज पर बजती है वो खुले बोलों की ताल होती है। इस ताल में 10 मात्राएं हैं, जैसा कि बताया गया है। इस ताल में दो दो मात्राओं के जो हैं 5 विभाग हैं। पहली मात्रा पर सम रहेगा अर्थात पहली ताली, तीसरी मात्रा पर खाली, पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली, सातवीं मात्रा पर तीसरी ताली और नौवीं मात्रा पर खाली है। इस ताल का जो प्रयोग देखते हैं कैसे किया जाएगा। इस ताल का जो प्रयोग है ध्रुपद गायन वादन के साथ किया जाता है। सोल ताल का जो प्रयोग है ध्रुपद गायन के साथ ज़्यादातर किया जाता है। ये सब तंत्र वादन की ताल है जिसका सोलो वादन कह सकते हैं, किया जा सकता है। इस ताल का जो प्रयोग है कथक नृत्य के साथ भी किया जाता है। तो सोल ताल का जो प्रयोग है कथक नृत्य के साथ भी किया जाता है। यह मध्य लय की ताल है। मध्य लय का संपद ताल है। संपद होता है समान पदों वाली ताल। समान पद यानी कि जिसके विभाग जो हैं वो समान रहें। ठीक है, तो देखते हैं। मैं जैसा कि आपको बताया गया था, हम अब पढ़ने जा रहे हैं ताल की एक गुण, फिर उसके बारे में जानेंगे, फिर ताल की हम दुगुण जानेंगे। देखो मात्राएं जो है इस ताल की 10 हैं, बता दिया गया था। जैसे कि आपको विभाग देखते हैं कितने हैं, 5, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। और इसके बोल जानते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदी कन। ठीक है, पहली मात्रा पे जो है सम रहेगा, तीसरी मात्रा पे खाली, खाली के लिए हम जीरो चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पाँचवीं मात्रा पे दूसरी ताली, सातवीं मात्रा पे तीसरी ताली, नौवीं मात्रा पे खाली। ये ताल की दुगुण है। दुगुण में हम क्या करते हैं, एक जब एक मात्रा में दो बोलों को बोला जाए तब आपकी वो दुगुण कहलाती है। तो देख लो, दो बोलों को इकट्ठा करके जब हम एक मात्रा में लिख देंगे तो आपकी दुगुण बन जाती है। जैसे धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदी गन। इसके बाद फिर वापस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। धा धा दिन ता किट धा दिन ता सॉरी तिट कत गदी गन। तो आइए आपको मैं इसकी हैंड बीट्स करके दिखाती हूँ कि हाथ पर इस ताल को जो है कैसे बजाया जाएगा। ठीक है, धा धा दिन ता किट धा तिट कत गदी गन धा। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।